के जितने भी महिला संगठन झंडा लेकर आगे आए हैं और प्रतिरोध मार्च का हिस्सा बने, हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। पूछते हैं हमारे साथ देखिए नीलम जी हैं, क्या कुछ कहेंगे प्रतिरोध मार्च निकाले आज तक? आज प्रतिरोध मार्च पूरे बिहार के जिला के मुख्यालय में निकाला गया जी। लगातार बढ़ती महंगाई जी और हत्या की घटनाएं, हाँ। लगातार महिलाओं का जो रेप हो रहा है जी, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जी और यहाँ नीतीश कुमार की सरकार के संलिप्तता में जी, इनके संरक्षण में जी अपराधी पल रहे हैं। इनको संरक्षण प्राप्त है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से। क्या लग रहा है कि जब बड़े बड़े नेता कहना है, जनता कहना है कि जब उनका परिवार सुरक्षित नहीं है इस राज्य में, तो क्या लग रहा है आम जनता के परिवार और आम जनता कैसे सुरक्षित रहेंगे? बात तो सही है, मुकेश सहनी जी के पिताजी का हत्या दिन दहाड़े घर में घुस करके कर दिया जाता है, और नवादा जिला में मुखिया का हत्या कर दिया जाता दिन दहाड़े, और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं इस पर होता है, तो कहीं ना कहीं सरकार ये विफल है। तो क्या लग रहा है सरकार जो यहाँ के पास प्रशासनिक व्यवस्था है सरकार के अंदर है, जनता की कोई सुनवाई नहीं होती है? नहीं, वो जो सरकार के संरक्षण में पल रही है और सरकार के इसमें नहीं काम कर रही है, जो काम पब्लिक का होना चाहिए वो काम हो ही नहीं रहा है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए क्या कुछ कहेंगे इस पर, लग रहा है कि बिहार की हर महिला अब आगे आएगी और सरकार को सबक सिखाएगी, लग रहा है सब इसको लेकर? कहना है मैं भाकपा माले राज्य कमेटी का लीडर हूँ और नवादा नगर का हूँ, और एप्पा राष्ट्रीय परिषद में महिला, एप्पा अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन। मुख्य तौर पर कहना है कि नहीं चला है हिटलर शाही तो नहीं चलेगा मोदी शाही। हम लोग पूरे देश में, पूरे बिहार नहीं पूरे देश में, मोदी को हटाने के लिए, जोगी बुलडेजर राज को हटाने के लिए हम एक हुए हैं, और हम इसे उखाड़ कर फेंकेंगे। 25 आ रहा है चुनाव जी, अभी तो डबल इंजन की सरकार है, उसको बहुमत नहीं मिला जी, 400 पार फेल हुआ जी। जान रहे हैं उसी तरह से अवर बिहार की गद्दी पर उनको, हमारे इतना जो जनता है, महागठबंधन इंडिया गठबंधन हम एक हुए हैं, उनको अभी बिहार से हम बेदखल करेंगे, पूरे देश से बेदखल करेंगे, और ये जो हमारे प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है, हमारे नेता सुरक्षित नहीं है, हमारी बेटी सुरक्षित नहीं है, तो ये कैसा प्रधानमंत्री और बिहार का जो मुख्यमंत्री है उसे कान पकड़ के हमारे जनता उखाड़ कर फेंकेंगे और हर हाल उसको हटानेंगे। हम लोग का एड़ी चोटी जितना करना पड़ेगा, हम एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन के लोग हम एक होकर के एक बेंच पर आए हैं, उसको कबाड़ फेंकेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए महिला संगठन यहाँ मजबूत हो चुके हैं और इनका कहना है ताल तक जो भी वर्तमान मुख्यमंत्री इनको हटाएंगे नहीं, ताल तक हम लोग चैन से बैठेंगे नहीं और लगातार प्रतिरोध मार्च धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। बाकी आपका क्या राय इस सरकार को लेकर, इस मुख्यमंत्री को लेकर, इस घटना को लेकर कमेंट में जरूर बताएं। आप देख रहे थे केडल न्यूज, हमें सूरज कुमार, जय हिंद।